Hello students, this is from TSA. So student, last we have started the chapter, that is chapter 9, introduction to windows. We have introduced with the windows. So हमने देखा था कि windows में हमारे किस तरह से होता है और क्यों windows होती हैं, हमारी operating system windows पे क्यों चलती है, normally हमारे PC में windows क्यों applied होता है, ठीक है. windows के हमने benefits भी देखे थे कि windows क्यों रहता है हमारे हम विंडोज़ को ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, यूज़र फ्रेंडली क्यों कहलाता है विंडोज़. यूज़र फ्रेंडली इसलिए कहलाता है ताकि हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो ये जो विंडोज़ हम लोगों ने देखा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे, डॉस है, ठीक है. लेकिन उसमें क्या है, हमें उसमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, लेकिन हमें विंडोज़ में प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता. हमारे पास हर चीज़ ईजिली एक्सेसिबल होती है, ठीक है. तो आपका ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसमें आपको बताया गया था कि विंडोज़ में हमारे पास आइकन्स होते हैं. आइकन्स हमें जो भी चीज़ हमें अगर चाहिए होती है तो हम वो आइकन्स के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है. अब सपोज आपको स्टार्ट करना है, आपका आपने अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप स्टार्ट किया. डेस्कटॉप स्टार्ट करने के बाद आप स्टार्ट बटन पर जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होती है एसेसरीज में जाते हैं. वर्ड अगर आपको चाहिए है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं. तो स्टूडेंट वहाँ पे हमें क्या है, एप्लीकेशंस दे रखी होती हैं, राइट. और एप्लीकेशंस जब हमें दे रखी होती हैं तो हम उन्हीं एप्लीकेशंस के हेल्प से हम आगे का अपना कर सकते हैं और आगे आराम से उनको एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर लगता है, ठीक है. सो इस वजह से हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, और विंडोज़ इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है. विंडोज़ में आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आइकन्स वगैरह आपके ऑटोमेटिकली आपके पास होते हैं, ठीक है. आपको सिर्फ आइकन पे क्लिक करना है. आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, फिर वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा. आप सिर्फ आइकन पे डबल क्लिक करते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो आइकन्स ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम खोल देता है, ठीक है. तो वो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चलता है वो पहले से ही इनबिल्ट होता है. आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन खुलेगा और आइकन से आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स हम चेक देखेंगे कि हमारे जो विंडोज़ है वो विंडोज़ स्टार्ट होती कैसे है, किस तरह से स्टार्ट होती है. यहाँ देखेंगे, सब बुक्स में देखेंगे अपनी, हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन विंडोज़ 98. अब हम देखेंगे क्या कि स्टार्ट कैसे होता है और शट डाउन हम कैसे करेंगे, किसको, विंडोज़ 98 को, ठीक है. पहले स्टूडेंट्स विंडोज़ 98 ही चलती थी, मोस्टली हमारी विंडोज़ 98 वर्क होती थी, ठीक है. अब आपको विंडोज़ 98 नहीं मिलेगी क्योंकि अब न्यू वर्जन आ गया है, दैट इज़ विंडोज़ 10, ठीक है. लेकिन अभी जो इस चैप्टर में आपको जो समझाया जा रहा है वो 98 है. सो स्टूडेंट्स, विंडोज़ 98 बहुत पॉपुलर विंडो थी पहले ज़माने में. जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जब लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर ले सकते थे, उस समय विंडोज़ 98 ही वर्क की जाती थी, ठीक है. तो अब हमें इसमें यहाँ पे विंडोज़ 98 के बारे में बताया गया है. स्टूडेंट्स जितने भी हम विंडोज़ हैं अभी, हम उसको उसी अकॉर्डिंग हम ओपन कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग वो विंडोज़ 98 ओपन होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स इसमें आपको ये लगेगा कि विंडोज़ 98 है तो विंडोज़ 10, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. विंडोज़ 98 और विंडोज़ 10 ऑलमोस्ट सेम है. जिस तरह से हम विंडोज़ 98 पे वर्कआउट करते हैं उसी तरह से हम विंडोज़ 10 पे भी वर्क करते हैं, ठीक है. सो विंडोज़ 90 मीन्स आपका प्रोसीजर वही है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका जो डिस्प्ले सिस्टम है, मतलब आपने अगर जैसे विंडोज़ 98 खोला उसका डिस्प्ले अलग होगा, ठीक है. आपने विंडोज़ 10 खोला उसका डिस्प्ले अलग होगा, विंडोज़ 8 खोला उसका डिस्प्ले अलग होगा, ठीक है. सो स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर अलग है लेकिन वर्किंग सेम होती है. तो अब यहाँ देखेंगे विंडोज़ 98 कैसे ओपन हो रहा है. फर्स्ट स्टेप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके जस्ट फर्स्ट स्टेप के पास में भी आपका एक कंप्यूटर भी बना हुआ है. तो स्टूडेंट हम पिक्चर भी चेक करेंगे. फर्स्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर, पहले हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, ठीक है. हमने बटन दबाया, मतलब हमने मेन स्विच को ऑन किया. योर सिस्टम चेक्स ऑल योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज़ नोन एज बूटिंग.
अब स्टूडेंट्स हमने स्विच ऑन किया, उसके बाद सीपीयू का बटन दबाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका क्या स्टार्ट होता है, मॉनिटर। अब ये क्या बोल रहा है, हमारा सिस्टम क्या स्टार्ट, योर सिस्टम चेक्स ऑल योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब बच्चों सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपको एक आवाज़ आती होगी, पंखे की आवाज़ आती है, सी सी करके एक आवाज़ होती है, तो वो क्या होता है, हमें पता चल रहा है कि हाँ वो क्या कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा है, कौन, सिस्टम, विच इज़ नोन एज बूटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। वो क्यों चेक करता है स्टूडेंट्स, वो इसलिए चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, कहीं आपने बंद करते समय कुछ गलत तो नहीं आपने करा, उसको आपने अननेसेसरी डायरेक्ट शट डाउन नहीं कर दिया, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं, उस अकॉर्डिंग वो चेक करता है, ठीक है। वो हार्डवेयर को चेक करता है कि हार्डवेयर सही है, सॉफ्टवेयर को चेक करता है कोई प्रोग्राम करप्ट तो नहीं हो गया है। सेकेंड देखेंगे हम, आफ्टर द बूटिंग, जब बूटिंग कंप्लीट हो जाती है, द विंडोज डेस्कटॉप अपीयर्स ऑटोमेटिकली। अब आप यहाँ देखिए पिक्चर में, विंडोज डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज का अपीयर ऑटोमेटिकली, मतलब वो पूरा खुल जाता है अपने आप, है ना, बूटिंग हो जाती है तो बूटिंग होने के बाद वो विंडोज अपीयर हो जाती है। द डेस्कटॉप स्क्रीन कंटेन मैनी आइकन्स एंड द टास्क बार। अब डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है स्टूडेंट्स, वो क्या कंटेन करती है, कंटेन मतलब वो क्या अपने अंदर लेकर आती है अपने साथ, जब वो विंडोज़ आपका खुलता है तो क्या होता है, एक तो बहुत सारे आइकन्स होते हैं और टास्क बार, टास्क बार कौन सा है स्टूडेंट्स, नीचे आपको ग्रे लाइन दिख रही है पिक्चर में, वो आपका टास्क बार है। क्यों टास्क बार क्यों कहा गया है, क्योंकि उसी के ऊपर टास्क परफॉर्म होते हैं, वहीं से हमें एप्लीकेशन मिलती, तो पहले वहाँ से टास्क परफॉर्म किया जाता है। This desktop screen is different for different users. ये जो desktop screen है वो अलग है किसके लिए, अलग user के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर एक दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है हर computer में या हर जगह आप जाएंगे तो वो same ही रहेगी, हर एक user की अपनी अलग desktop screen होती है, ठीक है। Third step, In the leftmost lower portion of the desktop, you will see a start button. Click on the start button. अब स्टूडेंट्स आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर के अंदर कंप्यूटर में देखिए, आपके लोअर लेफ्ट लेफ्ट साइड में सबसे नीचे कोने में आपको एक दिख रहा होगा बटन दिखता है, ठीक है, उस पर क्या लिखा होता है, स्टार्ट बटन। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स, एक आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल सा बॉक्स आपका, सॉरी वर्टिकल बॉक्स एक आपका खुला हुआ है ना, तो ये स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद ये हमारा पोर्शन खुलता है। तो ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारा स्टार्ट बटन के थ्रू जो हमारा वर्टिकल और है वो वहाँ से ओपन हो रहा है। फोर्थ स्टेप, आफ्टर क्लिकिंग द स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन को ओपन करते हैं, आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन को, You will see the menu. एक तरह से ये आपका मेन्यू हुआ कि आपको क्या चाहिए, which contain so many groups. जो क्या contain करता है, groups. Groups कौन से, बहुत सारे groups. ठीक है, तो वो क्या maintain करता है, groups. Now move the mouse to its right. अब students वो क्या है, जो groups होते हैं, groups कैसे होते हैं students, जो आपके चीज़ें लिखी हुई हैं अगर उसके आगे एरो है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक हो रहा है, लास्ट वाली पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन से वर्टिकल खुला, ठीक है, हमने ऊपर किया तो वो जा करके प्रोग्राम्स में जा करके आपके एरो आया, एरो करके एक और वर्टिकल बॉक्स खुला, राइट। उसके बाद वापस से आप वहाँ पे एसेसरीज में गए तो वहाँ पे बाजू में आपको दोबारा से एक वर्टिकल बॉक्स खुला, इसका मतलब एरो जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे आपके और भी इनर प्रोग्राम्स हैं। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप्स कंटेन करते हैं, उसमें और सारे ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर और अच्छे से हम देख सकते हैं। नाउ मूव द माउस टू इट्स राइट एंड क्लिक द एप्लीकेशन यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट लाइक टू ओपन पेंट, क्लिक ऑन द एसेसरीज एंड देन क्लिक पेंट। अब मैंने जैसे आपको बताया, हमारा स्टार्ट बटन करा,
प्रोग्राम्स पे गए, वहीं पे आपको एसेसरीज शो हो रही है। एसेसरीज के अंदर आपको पेंट ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप पेंट पे क्लिक करिए, आपको ऑटोमेटिकली पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये ग्रुप्स में बने हुए, क्या एप्लीकेशंस को एक के साथ एक करके जोड़ इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट्स आपको इशू ना आए या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको ओपन करने में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आफ्टर वर्किंग ऑन पेंट एसेसरी यू वॉन्ट टू शट डाउन द विंडोज, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अगेन एंड सेलेक्ट द शट डाउन बटन। अब आपका काम हो गया है, आपका कंप्यूटर का काम पूरा हो गया, अब आपको शट डाउन करना है। तो जहां से आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया था, फिर से हम स्टार्ट बटन को ही क्लिक करेंगे, वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, शट डाउन ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स, अ शट डाउन विंडो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स डिस्प्लेइंग वेरियस ऑप्शन, स्टैंड बाय, शट डाउन, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट इन एमएस डॉस मोड, सेलेक्ट द शट डाउन विंडो। स्टूडेंट्स, जब हम शट डाउन करते हैं तो हमारे को और भी बहुत सारे ऑप्शन वहां पे दिखते हैं, रीस्टार्ट, स्टैंड बाय, ठीक है, और हमें रीस्टार्ट करना है एमएस डॉस में, मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। तो हम डायरेक्टली क्या मोड लेंगे, हम शट डाउन मोड में हम क्लोज कर देंगे। लास्ट स्टेप, एट लास्ट विंडो शट डाउन मैसेज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जब आप शट डाउन करते हैं सो स्टूडेंट्स आपके पास एक मैसेज आता है, विंडोज इज शटिंग डाउन, है ना। इट्स नाउ सेफ टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। नहीं तो कई बार एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन करते हैं कि डू यू वॉन्ट टू शट डाउन द कंप्यूटर, आप करते हैं येस, तो वो क्या होता है, विंडोज इज शटिंग डाउन। दिस मैसेज इंडिकेट यू टू टर्न ऑफ योर सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर। इससे आपको वो क्या बताता है, आपको अपना, ठीक है, आपने अपना मॉनिटर क्लोज किया, जैसे वो मॉनिटर क्लोज होगा आप डायरेक्टली अपना सिस्टम यूनिट पूरा बंद कर देंगे। इससे आपका क्या है, पूरा मॉनिटर वो बंद हो, पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो आप अपने चेक करेंगे और आपके साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी। सो प्लीज़ आप पीडीएफ फाइल से वर्क अपना कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।